Good morning, dear friends, and praise the Lord of all this wonderful new day. और सुप्रभात मेरे मित्रों और सबको जय मसीह की आज की इस सुंदर दिन में. As we begin our day's activities and day's life, let us give these few minutes, very few minutes, to listen to the voice of God. और इससे पहले कि हम अपने दिनचर्या और या दिन के कार्यों में व्यस्त हो जाएं, क्यों नहीं कुछ क्षण देकर हम पहले परमेश्वर की वाणी से सुने. My topic for today's meditation is how to pray and how to pray about problems. और आज की सुबह के मनन के लिए जो मैंने शीर्षक दिया है वो है कि कैसे हम अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करें. The text is taken from the Gospel according to Saint Mark chapter 11 verses 22 and 23. और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय 22वें और 23वें वचन से मैं आज की सुबह आपसे बात करूंगा. There are many believers who struggle with their prayer life. और ऐसे कई सारे विश्वासी हैं जो अपने प्रार्थना के जीवन में जूझते हैं, लड़ते रहते हैं. And the reason is they do not know what to pray for, or even when they know, they don't know how to pray. और इसका कारण ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि कैसे प्रार्थना करनी है, या तो उन्हें पता है कैसे प्रार्थना करनी है बट किन बातों के लिए वो प्रार्थना करें. So I want you to understand two things concerning effective prayer. और मैं चाहता हूँ कि आज की सुबह आप दो बातों को समझें कि कैसे आप एक प्रयत्नशील प्रार्थना को कर सकते हैं. These two things are required. ये दो बातें जरूरी हैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए. Number one, पहली बात, one should have a thorough knowledge of God's word, and then secondly, one also need to have the Holy Spirit dwelling in him. Or her, and that Holy Spirit is very necessary. और पहला बात जो आपकी ऐसी प्रार्थना करने में सहायता करेगी वो ये है कि एक के पास परमेश्वर के वचन का संपूर्ण और गहरा ज्ञान होना आवश्यक है, और दूसरी बात कि पवित्र आत्मा से वो व्यक्ति या वो पुरुष या वो महिला भरा जाना आवश्यक है. In order to pray according to God's will, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करने के लिए we need to fill our prayers with God's word. हमें अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन से बोलना और उसे भरना है. And that prayer will be effective. और ऐसी प्रार्थनाएं कार्यशील होंगी. And then in order to pray according to God's will, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करने के लिए एंड प्रे एक्सेप्टेबल प्रेयर्स और ऐसी प्रार्थनाएं करने के लिए जो ग्रहण योग्य हैं, वी नीड द होली स्पिरिट ड्वेलिंग इन अस. हमें आवश्यकता है पवित्र आत्मा की जो हमारे भीतर अपने वास को करे. एंड ही कम्स टू आवर हेल्प एंड टू आवर असिस्टेंस व्हेन वी इन आवर प्रेयर. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता और हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारी प्रार्थनाओं में आ जाता है. Because the Holy Spirit prays in us and then through us in his language. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे भीतर और हमारे द्वारा अपनी भाषा में प्रार्थना को करता है. Because the Bible says he knows, the Holy Spirit knows the mind of God. क्योंकि वचन बताता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन को जानता है. And he is the third person in the Holy Trinity. और ये त्रिएक परमेश्वर में तीसरा व्यक्तित्व है जो पवित्र है. And our text in Mark chapter 11 verses 22 and 23 says. और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय 22वें और 23वें वचन में हमारा वचन कहता है. Have faith in God, Jesus answered. I tell you the truth. If anyone says to this mountain, go throw yourselves into the sea, and it does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. Oh, what a wonderful promise!
our Lord has given us. और कितना अद्भुत वादा हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है. That whatever we ask. कि जो कुछ भी हम मांगेंगे. In faith. विश्वास में. And do not doubt in his heart. और उस बात को लेकर अपने मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रखेंगे. But believe that what he says will happen. लेकिन इस बात पर विश्वास करें कि जो प्रार्थना में हमने मांगा है वैसा ही होगा. It will happen. ऐसा हो जाएगा. That's why God used the illustration of a mountain. और इसी कारणवश परमेश्वर ने एक पहाड़ का उदाहरण वहाँ पर दिया है. The Bible, when we talk about mountain, it means surmountable problems and difficulties in life. और जब वचन में पहाड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो इस बात को दर्शाता है कि कैसे मनुष्य जीवन में पहाड़ समान या पहाड़ रूपी बड़ी-बड़ी समस्याएं और मुश्किलें आती हैं। Now this passage conveys two important points concerning prayer. और ये वचन जो हमने अभी पढ़ा, ये हमें प्रार्थना के बारे में दो महत्वपूर्ण बातों को दिखाता है। Number one, पहली बात, how not to pray. कि कैसे हमें प्रार्थना नहीं करनी है। And number two, और दूसरी बात, how to pray. कैसे हमें प्रार्थना करनी है। Now, listen this. Do not pray with problems or mountains right in front of you. और आप ऐसे प्रार्थना ना करें उन समस्याओं को या उस पहाड़ को अपने सामने या अपना केंद्र बनाकर आप प्रार्थना ना करें। No problem should be in your mind when you pray. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो कोई भी समस्या आपके मन में नहीं होनी चाहिए। But then how should you pray? लेकिन आपको कैसे प्रार्थना करनी है? Pray with the answer or solution in your mind. लेकिन आप उत्तर को लेकर अपने मन में प्रार्थना को करें। See the answers. और उत्तरों को देखें। See the answers to your prayer by the eyes of faith. और अपनी प्रार्थनाओं के प्रति उत्तरों को आप देखें विश्वास की आंखों से। And then believe that you have received it. और उसके पश्चात ये विश्वास करें कि आपने उसे ग्रहण कर लिया है। And that is the important truth. और यही है वो बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई। So when you pray for any problem, और इसलिए जब कभी आप किसी समस्या के लिए प्रार्थना or करते any हैं, need, या किसी आवश्यकता के लिए, don't fill your minds and your thoughts and your eyes with all that mountainous problem. तब अपने आँखों को, अपने मनों को, अपने विचारों को उस पहाड़ रूपी समस्याओं से आप ना भरें। On the other hand, लेकिन दूसरे हाथ पर, see the answers. आप उत्तरों को देखें। If you are praying for a for the mountain to move, और अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं एक पहाड़ के हट जाने के लिए, so you see when you pray, you see with the eyes of faith, the mountain is moving away and going into the sea. तब आप देखेंगे विश्वास की आंखों से कि कैसे वो पहाड़ अपने स्थान से निकलकर उस समुद्र में जा रहा है। If you are praying to have a child because a number of years passed since you got married, but no children. और अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं एक बच्चा पाने के लिए, क्योंकि आपकी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन आपको अभी एक बच्चे की आशीष नहीं मिली है। And if you are praying, और अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, trusting God, और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, then by the eyes of faith you begin to see. You are cuddling your little child in your arms. तब विश्वास की आंखों से आप उस बच्चे को अपने गोद में लिए पुचकारते हुए देखेंगे। And you made his small little bed. और आप उसके छोटे से बिस्तर को तैयार करेंगे। And prepare all the things needed, like clothes and other things, already ready. और वो कपड़ों को आप तैयार करेंगे जो आपने पहले ही विश्वास से आंखों से अपने बच्चे को देख लिया है उसके लिए। So by the eyes of faith you begin to see everything that a child is and then you pray with thanksgiving. और आप विश्वास की आंखों से देख लेंगे कि वो बच्चा कैसा है और कैसा होगा, और धन्यवाद की प्रार्थना के साथ आप उसके आगमन की तैयारी करेंगे। You thank God for the child. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे बच्चे के लिए। You thank God that the child is coming. और आप धन्यवाद देंगे कि बच्चा आ रहा है। And in time you will have. और अपने समय में आप उसे पाएंगे। And I am ready and prepared. और हम तैयार हैं उसे ग्रहण करने के लिए। Because my heavenly father knows my desire for a child. क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता मेरे बच्चे के लिए अपनी इच्छा को जानता है। I would like to mention three
examples. और मैं तीन उदाहरणों को आपको देना चाहता हूँ. Example number one. पहला उदाहरण. The woman with the issue of blood. वो स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी. You know what she said? और आपको पता है उस स्त्री ने क्या कहा? She spoke to herself. उसने खुद से कहा. And saw her healing. और अपनी चंगाई को देख लिया. That's what happened when he said, "If only I could touch the hem of the garment, I will be healed." तब ये ऐसा हुआ जब स्त्री ने अपने मन में खुद से कहा कि सिर्फ अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र या चोगे का एक कोना भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी. So she crawled through the crowds, seeing her healing, and touched the hem. और वो उस भीड़ के बीच से रेंगती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची और उसके वस्त्र को छुआ. The second example, David and Goliath. दूसरा उदाहरण दाऊद और गोलायत. David saw victory. और दाऊद ने विजय को देखा. Before he actually killed Goliath. इससे पहले कि वो गोलायत को मार डालता. He already saw. उसने देखा उस विजय को. He saw Goliath falling. उसने देखा कि कैसे वो गोलायत गिर चुका है. He saw Goliath's head in his hand. उसने देखा गोलायत के सर को अपने हाथों में. He saw Goliath's body covered with vultures. और उसने देखा कि कैसे गोलायत के शरीर पर गिद्ध बैठे हैं उसे खाने के लिए. And then he saw by the eyes of faith the enemy army running for life. और उसने विश्वास की आंखों से देखा कि कैसे शत्रु सेना अपने जीवनों को बचाने के लिए भाग रही है. And that's exactly what happened. और ऐसा ही हुआ. The third example is. तीसरा उदाहरण है. Elijah, the prophet. एलिया जो नबी था. Praying for rains. और उसने जब बारिश के लिए प्रार्थना किया. And he refused to give up. और उसने ना हार मानने से इनकार कर दिया. He sent his servant 6 times to go a little further and see. Whether the cloud is coming or not. और उसने 6 बार अपने दास को भेजा कि वो देखे जाकर कि क्या वो बादल निकट आते हैं. All 6 times he came back disappointing, discouraging result. और हर 6 बार की हर एक बार वो दास जो है निराशाजनक चेहरे को लेकर एलिया के पास पहुंचा. But Elijah refused to give up. लेकिन एलिया ने हार मानने से इनकार कर दिया. You know why? आपको पता है क्यों? 3.5 years ago he spoke these words. क्योंकि 3.5 साल पहले उसने इस शब्दों को बोला था. That it will rain again only at his word. कि वो बारिश फिर से इज़राइल में होगी लेकिन सिर्फ उसके कहने पर. So what did he do? और उसने क्या किया? He was praying. उसने प्रार्थना करी. And he saw the cloud. और उसने बादलों को आते हुए देखा. How? By the eyes of faith. कैसे? विश्वास की आंखों से. He heard the thunders. और उसने उस गर्जराहट को सुना. He saw the lightning. और उसने बिजली को देखा, बिजली गिरने के सुने. Then he saw the blackened sky and the wind blowing. और उसने देखा कैसे वो बादल और वो आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चल रही हैं. And very soon. और बहुत ही जल्द. The servant came back with the good news. और ये दास एक अच्छी खबर को लेकर वापस आया. A cloud in the size of the palm of a man's hand. और एक बादल जो कि एक मनुष्य की हथेली के आकार का है दिखता है. That doesn't amount much, does it? क्या वो ज्यादा लगता है? But not in the eyes of Elijah. लेकिन एलिया की नजर में बिल्कुल नहीं. For him that was enough. क्योंकि उसके लिए सिर्फ इतना ही he बड़ा बादल काफी था. He heard the sound of a mighty heavy rain. उसने एक बड़ी गड़गड़ाहट और गर्जना को सुना जो एक सामर्थी बारिश के रूप में आई. Now let me talk about Jesus. अब मैं यीशु के बारे में बात करूं. Jesus suffered. यीशु ने दुख उठाया. And gave himself to death on the cross. और खुद को दे दिया कि वो क्रूस पे मार दिया जाए. You know why? आपको पता है क्यों? Because he saw the offspring of his travail. क्योंकि उसने देखा कि कैसे ऐसा करने के पश्चात उसके लिए बेटे और बेटियां बचा लिए जाएंगे. He saw the fruit of his suffering. उसने देखा कैसे इसके दुख और तारना उठाने के पश्चात उसे वो फल प्राप्त होगा. Isaiah chapter 53 verse 10. और यशया नबी उसका 53:10 which says he will see his offspring and prolong his days and the will of the Lord will prosper in his hand. और उस पर इस प्रकार लिखा है कि वो परमेश्वर वो अपनी संतानों को देखेगा और अपने दिनों को बढ़ाएगा और उसके पश्चात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो समृद्ध होता चला जाएगा.
What did he see? उसने क्या देखा? He saw the church. उसने कलीसिया को देखा. He saw you and उसने me. आपको देखा और मुझे देखा. And he gave himself to suffer. और खुद को उन दुखों के लिए दे दिया. This is our God. और ये है हमारा परमेश्वर. Nothing is impossible with him. और कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है. We as his people must learn to pray for impossible things. और हम उसके लोग होते हुए हमें सीखना है असंभव बातों के लिए प्रार्थना करने के. Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर. For all this we need you. हमें इन सारी बातों के लिए आपकी आवश्यकता है. We need your spirit. हमें आपकी आत्मा की आवश्यकता है. Your anointing. अब आपकी अभिषेक की. And that we may exercise the kind of faith that God honors. ताकि हम उस प्रकार के विश्वास का चलन और अभ्यास कर सके जिसका आदर और सम्मान परमेश्वर करता है. Thank you. धन्यवाद. For helping us. हमारी सहायता करने के. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen.